ईमानदारी, ईमानदारी को इंग्लिश में क्या कहोगे? देखिए ये वर्ड आपको पता होगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरे चैनल में मैं सिर्फ वर्ड नहीं देता, मैं आपको पॉजिटिव माइंडसेट देता हूं, अच्छे एग्जांपल्स के साथ यहां पर आता हूं ताकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो सके, आपके वर्ड्स रिकॉल हो सके और आप कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव हो सके। यहां पर एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एग्जांपल आपको पता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी कैन हर्ट यू बट नेवर डिफीट यू। ये देखिए ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो ये सोचते हैं ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। देखो ईमानदारी आपको हर्ट कर सकती है बट आपको कभी डिफीट नहीं होने देगी, बट आपको कभी डिफीट नहीं करेगी, आपको ना डिफीट होने देगी ना आपको डिफीट करेगी, ऑनेस्टी ऐसी चीज है। तो ऑनेस्टी कैन हर्ट यू बट नेवर डिफीट यू। इस एग्जांपल को थोड़ा पॉज करके सोचिए कितना पॉजिटिव एग्जांपल है, कितना अच्छा आपका माइंडसेट हो जाएगा, आज का पूरा दिन आपका बन जाएगा अगर आप ईमानदारी पे चलते हो। थर्ड एग्जांपल देखिए, देर आर वेरी फ्यू पीपल हु फॉलो ऑनेस्टी। देखो यहां पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ईमानदारी में चलते हैं, तो यहां पर आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर आपका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। फ्रेंड्स आज का ये वर्ड था जिसमें हमने वर्ड को सीखा, जैसे अच्छे माइंडसेट के लिए अच्छे एग्जांपल्स को देखा ताकि हमारा दिन अच्छा हो सके, हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें एड ऑन कर सके। अब मिलता हूं मैं आपसे नए वर्ड के साथ, नए वीडियो में कुछ अच्छे एग्जांपल्स के साथ, पॉजिटिव एग्जांपल्स के साथ आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।